दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार आमिर खान के बारे में। आमिर खान एक निर्माता, निर्देशक और अभिनेता होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आमिर खान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म यादों की बारात में बतौर बाल कलाकार की थी, लेकिन उनको असली कामयाबी फिल्म कयामत से कयामत तक में मिली, जो 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आमिर खान पहली बार मुख्य किरदार के तौर पर जूही चावला के साथ नजर आए थे। इन दोनों की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। कयामत से कयामत तक के लिए आमिर खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। उससे अगले ही साल आमिर खान की फिल्म राख भी रिलीज हो गई थी। आमिर खान को फिल्म कयामत से कयामत तक और राख के लिए स्पेशल ज्यूरी अवार्ड भी दिया गया था, जो राष्ट्रीय पुरस्कार है। आमिर खान ने देवानंद की फिल्म अव्वल नंबर में भी काम किया, जिसमें आमिर खान ने एक क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी। आमिर खान का कहना है कि ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको आमिर खान ने बिना पढ़े ही साइन कर लिया था। उसके बाद आमिर ने कई फिल्में की, पर उन्हें ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। फिर 1992 में एक फिल्म आई जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म में किए गए आमिर के अभिनय के कारण वो बॉक्स ऑफिस के सिकंदर बन गए। इस फिल्म से आमिर खान ने इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान बना ली थी। आमिर खान हर बार दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ अलग जरूर लेकर आते हैं। दर्शक उनकी इसी खूबी के कारण उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। आमिर खान अपनी हर एक फिल्म में अपनी एक्टिंग से जान डाल देते हैं। 2002 में लगान फिल्म ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नामांकित हुई थी। फिल्म साइन करने से पहले वो फिल्म की एक एक डिटेल अच्छे से जानते हैं। तभी वो हर एक शॉट में परफेक्ट नजर आते हैं। आमिर खान ने फिल्म दिल और राजा हिंदुस्तानी में अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने कैनेडियन भारतीय फिल्म अर्थ में भी काम किया था। आमिर खान की फिल्म सरफरोश भी बहुत हिट हुई थी। आमिर खान ने अपनी मेहनत से बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। आमिर खान को हिंदी सिनेमा जगत में उनके योग्यताओं के कारण जाना जाता है। उन्हें सन 2003 में पद्मश्री और सन 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। बाकी बॉलीवुड स्टार के मुकाबले ये कम फिल्में करते हैं। वजह ये है कि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म साइन करते हैं और एक एक स्क्रिप्ट को पढ़कर स्टोरी को समझकर फिल्म करने का फैसला करते हैं। दोस्तों अब हम आपको आमिर खान की पत्नी किरण राव के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आमिर खान की पत्नी किरण राव फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और फिल्म निर्देशक है। किरण राव का जन्म 7 नवंबर को आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना में हुआ था। किरण राव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के तौर पर मशहूर फिल्म लगान से की थी। इसमें इन्होंने निर्देशक आशुतोष को असिस्ट किया था। प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी फिल्में दंगल और सुपरस्टार आदि है। दोस्तों आपको आमिर खान की फिल्में कैसे लगती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।